गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी का आगमन पुरब वैसे तो वख वख कैलेंडर मुताबक अलग अलग दिन तारीखा चुनिया गई, पर 5 जनवरी 1666 के अनुसार इस दुनिया भर के वख वख थावां ते मनाया जाता। सब तो पहला गुरु साहब के आगमन पुरब से शुभकामनावां। दरअसल गुरु इतिहास के पन्नियां ते नज़र मारीे तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो दसवें गुरु साढ़े जिन्होंने बाद गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहब जी ने बख्शी, ये साढ़े लिए एक इतिहासक संकल्प पेश किया कि किस तरीके दे नाल संघर्ष करना है, जुल्म के खिलाफ लड़ना है, अंदर जिहड़ी आत्मक बल की भावना रखनी है अते बाहर जालम नू नत पाउणी है। गुरु गोबिंद सिंह जी का जो आगमन होया गुरु तेग बहादुर जी दे ग्रह विखे माता गुजरी जी दी कुखों 1666 नू, ते गुरु साहब बचपन दे विच जिहड़ा समा आया जदों वो पंडित जिहड़े के भारत दे विच कश्मीर दे इलाके नाल संबंधित सन, वो पीड़ित लोग आए ते उन्होंने उस वेले औरंगजेब मुगलिया हुकूमत का जो जुल्म सी ते उस दे अपने दुखांत रखे, तो गुरु तेग बहादुर जी ने उस वेले जदों उन्होंने वचन दिते कि इन्हां जुल्मां नूं नत पाउण लई वो शहीद होणगे, तां गुरु गोबिंद सिंह जी बाल उम्र दे विच उन्हां दे नाल सन, गुरु साहब नूं थापड़ा दिता, असीस दिती, तो उस वेले गुरु साहब नूं इस जिम्मेवारी दे योग भी समझिया कि ये कौम की अगवाई कर सकणगे। गुरु तेग बहादुर जी की 1675 दे विच शहादत तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी गुरता गद्दी ते विराजमान होए। बाद दे विच उन्होंने जो उस समय तो लैके लगातार कौम नूं लामबंद किया, तो गुरता गद्दी की एक इतिहासक प्रसंग दे विच परंपरा नूं कायम रखते हुए जिस तरीके नाल गुरु साहब ने उस वेले सारिआं नूं बराबर लैके दसवें गुरु नानक ने किवें सारिआं नूं एक लंगर एक बाटे च अमृत छकाया, एक इतिहास का एक नवा पन्ना जिहड़ा है अध्याय शुरू किया, पांचों तैयार करके पांचों ही जेर कीने पांचों पढ़ी थी बाणी पांचों दिए ककारा तासीर इस दुआ की अक्सीरे ऐसी हुई मुर्दे में जान आई चिड़ियों ने बाज मारा। ते नाल ही जो आतशे तशद्दद में जबकि जल उठी थी मखलूकात परेशां अरशें बरी और तड़पती थी कायनात मुर्शदे कामल गुरु गोबिंद सिंह बेदल तभी चश्माए रूहानियत से पैदा किया आबे हयात। वो जिस अमृत की दात गुरु साहब ने बख्शी तो भाई दया सिंह धर्म सिंह हिम सिंह मोकम सिंह साहब सिंह सारियां नू सिंह सजाया तो सारियां नू एक बाटे च अमृत छकाया तो सब दे अंदर वो आनंद भरिया कि अंदर तुहाडे जो सच हक की भावना सिमरन दे बंदगी दे रूप च होवे ते बाहर जालम दे नाल संघर्ष कर सको, जिस दे बारे ये जो सवैया है धन जियो तह को जग में मुखते हर चित में युद्ध विचार है देह अनित न नित रहे जस नाव चढ़े भव सागर तार है धीरज धाम बनाए यह तन बुद्ध संदीपक ज्यों जार है ज्ञानी की बढ़नी मनो हाथ लै कातरता कुत बार बहार है। गुरु साहब ने जिस तरीके दे नाल उस वेले मुगलिया हकूमत नूं चुनौती दित्ती उस दे नाल ही पहाड़ी राजिआं दा वी जिहड़ा रंग नसल ते फिरकियां दे विच वंडे जाना ते जात पात दी ऊच नीचता दूं चुनौती दित्ती। हालांकि अमृत छकाउण वेले गुरु साहब दा उन्होंने विरोध किया ते कहा कि साडे वास्ते लंगर वख होवे, पर नहीं, गुरु साहब ने सब नूं बराबरता दित्ती। उस वेले गुरु साहब दे हजूर जिन्हां लोकां ने अमृतपान किया सिंह सजे, उत्थे कई कमज़ोर बिरती दे लोक जिन्हां बारे डॉक्टर हरभजन सिंह जी ने एक कविता लिखी है तेरे हजूर मेरी हाजरी दी दास्तां, वो इतिहास बयान करती है कि किस तरह उदों हाजिर समय वो सारे दृश्य नूं चित्र दे कवि कहिंदे ने कि जदों तेरे हाथ दे विच नंगी जिहड़ी कृपान सी लहर लाई सी ते उस वेले मैं भी सुन हो गया सां, मेरे वर्गे होर बहुत सन। इसे नूं बिरतांत नूं जिहड़ा काव्य रूप दिंदे होए अगे जदों लिखदे ने कि जदों तूं सीस दी मंग कीती ते मैं त्रप गया सां कि गुरु साहब की मंग कर रहे ने, ते अगे ओह मेरे कोल ही चमत्कारी बैठा सी जिसने ये कहा कि सीस अर्पण करन वेले लोग कदे भी कहण दे मुहताज नहीं हुंदे, मंग दे मुहताज नहीं हुंदे, जिद्दण दा मैं तेरे चरना चाहिया मैं उदन ही सीस दे दिता। कहिंदे मैं कवि उस नूं देख के हैरान होया, फिर एक तो बाद एक होर चमत्कारी पंज उठे, पंजां तो बाद जदों तूं ये कहा कि हुण मैनूं किसे होर सीस दी लोड़ नहीं तां मेरे साह च साह आया, पर मैं हैरान सां कुछ समां बाद जदों पंजां नूं सजा के तूं
उस मंच ते आ ले आंदा ते उन्हां नूं अमृत छकाया ते खुद अमृत छकिया तां मेरे दिमाग दे विच उस वेले आया जे पता हुंदा कि सीस लैके यों ही मोड़ देना सी तां मैं भी सीस अर्पण कर दिंदा। अग्गों इह जवाब जिहड़ा तेरा सी उस भावना दे विचों जिहड़ा पैदा होया उस दे विच बड़ा कुछ छुपिया होया सी कि इह दंभ दा दरबार नहीं, इत्थे सच चलदा, दंभ नहीं चलदा। तो मैनू बाद दे विच उदों तो लैके हुण तक इस गल दा पछतावा है कि मैं इस वेले अपने आप नूं खुंझा लिया। कवि अज दे समें जाके कहिंदा है कि हुण तक मैं इसे गल नूं पछता रहा सी तां सच एक आवाज़ मैनू सुनी तेरी सीस अर्पण करन दा वेला सदा है। सीस अर्पण करन दा वेला सदा है, पहला धड़ते सीस पैदा कर। आ गल जिहड़ी है तेरे हजूर मेरी हाजरी दी दास्तां इस नज़म दे विच्चों झलकदी है। गुरु साहब ने जिस तरीके नाल उस वेले जालम हकूमत नूं चुनौती दित्ती ते जिस तरीके दे नाल उस वेले स्थापति दे खिलाफ लड़े एक इतिहासक मिसाल है। संसार दे इतिहास विच इस दी बराबरी कोई नहीं कर सकता। 42 साल दी उम्र दे विच जिवें गुरु साहब ने जंग युद्ध लड़े, जर जोरू जमीन लई कोई नहीं सी, हक सच ते इंसाफ लई सी, पीड़ित वर्ग दे लई सी। अपने चारे साहबजादे शहीद करवाए, माता जी शहीद, पिता जी शहीद, खुद भी शहादत दे विच गए। जिस तरह नंदेड़ दे विच हजूर साहब जिथे उन्हां दे अस्थान बने ने, बार बार प्रणाम है, उस शहीदी अस्थान है गुरु साहब का, जिथे उस वेले मुगलिया हकूमत का जिस तरीके नाल विरोध गुरु साहब ने किया, शिकस्त जड़ी इन्हां नूं हुई, हकूमत नूं चुनौती दित्ती, तो बाद दे विच बंदा सिंह बहादुर नूं भी जिहड़ा है तोरिया, जिस तरीके नाल आशीर्वाद दे के जिहड़ा बैरागी बन चुकिया सी, कि अजे भी बंदा बैरागी कह रहे ने, हरगिज़ नहीं, गुरु साहब ने उस नूं सिंह सजाया, गुरबख्श सिंह ना दिता, बंदा सिंह बहादुर बने। तो फिर उन्होंने आके सरहद की इट नाल इट खड़काई, पर कोई मस्जिद नहीं ढाई, किसी मुसलमान या किसी मजहब नाल फिरके नाल वितकरा नहीं किया, जालमा नूं सोधिया, उन्हां जालमा नूं जिन्हां ने यह सारा कुछ किया। तो गुरु साहब उत्थे ही मौजूद सन जदों उन्होंने बकायदा तौर पर वजीर खां दे भेजे हुए तो हमलावर पठाना ने हमला किया। गुरु साहब के कोल जिहड़ा आया उसनू उसे वेले सोध दिता, दूसरा जिहड़ा है सिखा ने सोध दिता, बाद दे विच जख्म सन जिन्हां दी ऑपरेशन सर्जरी हुई, पर कुछ दिनों के बाद गुरु साहब जिहड़े है गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं दे के यह फरमान करते हुए जिहड़ा कि ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने शब्दों के लिखिया, आग्या पई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में ले। एक खोज शब्द की करनी है, तो यही जिहड़ी पंथ दे विच जो अपनी बकायदा रूह है, आत्मा ग्रंथ दे विच है, तो पंथ दे विच बल है, ये गुरु साहब ने बख्शिश की, जिस दे बारे विधाता सिंह तीर जी लिखते ने, ओ गुजरी दा माण सी सी ममता दसमेश दी, मीरी ते पीरी ले तो लई उन्हें पदवी दरवेश दी। गुरु तेग बहादुर जी दे बारे ये शब्द अगे तीर साहब लिखते ने, सिर अपने ते ले लई उसने मुसीबत देश दी, उस सिदक पुतला रब तो करदा ये मंग हमेश सी, दातार दुनिया वास्ते कुरबान आपा करदे हां, वरदान दे बलिदान दी नी सीस ला के तरदे हां, मैं चाहुंदा हां रत मेरी रंग लाए हे प्रभु, कुरबानियां दे गीत मिठे कौम गाए हे प्रभु, प्रभु मैं चाहुंदा हां जुल्म दी तलवार टुटे अज तो, मैं ना रवां पर जुल्म दी सरकार टुटे अज तो। ये गुरु तेग बहादुर जी दे नक्शे कदमां ते चलदे गुरु गोबिंद सिंह जी दसवें गुरु नानक जिस तरीके नाल उन्होंने सानू अपना समुच्चा जीवन बाणी रचना प्रेरणा ते सिख पंथ दे तौर ते इह संभाल के बख्शिश करके सानू एडा वड्डा खजाना बख्शिया, उस ते चलण दी लोड़ है। हिंदू तुरक को राफजी इमाम साबी, मानस की जात सभ्य एक है पहचान बो, मानस की जात सभ्य एक है पहचान बो। किसी भी तरह की मॉर्गेज लैनी है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कमर्शियल या प्राइवेट मॉर्गेज लैनी है तो मॉर्गेज एडवाइजर गुरदीप कलोटी नाल संपर्क करो, ये तुहाडे घर आके भी सर्विस दे सकते हैं। इन्हां दा फोन नंबर 7782554292 या तुसी इन्हां दी वैबसाइट ते जा सकते हो www.kalotimortgage.com।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਦੇ ਆਪ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਆ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੋਰਟੂਗਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ 9057857744 ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਕਲੋਥ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਫੈਬਰਿਕਸ ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੈਂਟਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ ਕੋਰੀਆ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਪੰਜਾਬ ਕਲੋਥ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਜੋ ਕਿ 127-25-80 ਐਵਨਿਊ ਸਥਿਤ ਹੈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 604-598-2880 ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਟੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 604-825-1550 604-825-1550 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਕ@gmail.com ਵੈਬਸਾਈਟ www.gurvindersinghtaliwal.com